दोस्तों, हाल ही में कुछ बॉलीवुड हस्तियों और अभिनेत्रियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें फिल्म पाने के लिए कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। जी हाँ, हैरान ना हो, ये कास्टिंग काउच शब्द सुनने में जितना अजीब लग रहा है, उसका मतलब उससे भी कहीं ज्यादा डरावना और घिनौना है। इसका मतलब है, अगर किसी लड़की को फिल्म बनानी है या फिल्म में काम करना है, यानी कि फिल्म में रोल पाना है, तो उसे प्रोड्यूसर के साथ सोना होगा। जी हाँ दोस्तों, सही समझे आप। अगर कोई लड़की प्रोड्यूसर के साथ हम बिस्तर नहीं होती तो लड़की अभिनेत्री बनने के ख्वाब ही देखती रह जाएगी। प्रोड्यूसर मतलब सब कुछ, उसकी हां से कोई भी लड़की स्टार बन जाए, मगर उसके बदले में जो कीमत चुकानी पड़े वो बेहद ही शर्मनाक है। यहाँ तक कि लड़कियों से ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या वो वर्जिन है। अगर है तो बात आगे बढ़ती है। आज भी इंडस्ट्री में ये रस्म और रिवाज खत्म नहीं हुआ, लेकिन बात दरअसल यह है कि जब तक ये बात सामने आती है बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही कुछ खुलासे हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने दिए ऐसे खुलासे, जिस बात को कुछ ने मान लिया और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और आज मशहूर कलाकार हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इनका विरोध किया और इस घिनौने सच से पर्दा उठाया। तो ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर कौन हैं वो अभिनेत्रियां जिन्होंने इस बात से उठाया पर्दा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, कंगना रनौत, जिन्होंने खुलासा किया कि उनको तनु वेद्स मनु में कास्टिंग के लिए सेक्स और हमबिस्तर होने के लिए कहा गया, जिसके बाद उन्हें मूवी में जगह मिली। ममता कुलकर्णी, ममता को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने भी एक रोल के लिए ऑफर किया था। रीना गोलान, रीना से सुभाष घई ने उनका खूब शारीरिक तौर पर शोषण किया, इसके बाद उन्होंने अपने हिसाब से रीना से फिल्म में रोल करवाया। कल्कि कौचलिन, कल्कि इस प्रसिद्ध अदाकारा को कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो बताती हैं कि कई बार तो स्थिति इतनी बदतर हो गई कि उन्हें सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। टिस्का चोपड़ा, वो बताती हैं उन्हें तो हमेशा ही कास्टिंग काउच को झेलना पड़ता है, हाँ भले ही एक सीक्रेट एग्रीमेंट होता है जिसका सच कभी जनता तक नहीं पहुंच पाता। पायल रस्तोगी, पायल इन्हें दिबाकर बैनर्जी जो इनके दोस्त थे, इन्होंने ही पायल के साथ गंदी हरकतें की और उन्हें सेक्सुअल अब्यूज भी किया। प्रीति जैन, ये तो बहुत ही डरावना केस है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर के ऊपर आरोप लगे कि इन्होंने प्रीति जैन के साथ कई बार रेप किया, जिसके बदले में उन्होंने प्रीति को फिल्म में रोल देने को कहा। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी अभिनेत्री को आप पसंद करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।